दोस्तों नमस्कार। आज सड़क हादसों के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में सड़क हादसों में रोज़ाना 328 लोगों की मौत हुई है। 328 लोग सड़क हादसों में रोज मरे हैं। यह तब हुआ है जबकि 2020 में लॉकडाउन लागू था और अधिकतर वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे थे। कई महीनों तक लोग अपने घरों से नहीं निकले थे, उसके बावजूद सड़क हादसों में 328 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े बताते हैं NCRB के कि 2020 में कुल 1,20,000 मामले सड़क हादसों के दर्ज किए गए। कुल 1,20,000 मामले सड़क हादसों के दर्ज हुए, जो कि लापरवाही की वजह से हुए हैं। ये NCRB ने दर्ज किया है कि ये हादसे लापरवाही के कारण हुए हैं। लापरवाही से हुए सड़क हादसों में 3 साल में 3,92,000 लोगों की जान गई है। 3 साल में लापरवाही के कारण 3 सालों में 3,92,000 लोगों की जान गई है, यानी कि 1,00,000 से ऊपर लोगों की जान हर साल सड़क हादसों में चली जाती है, वो भी उनकी लापरवाही के कारण। ऐसा ही आंकड़े बताते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,20,000 लोगों की मौत हुई, जबकि 2019 में 1,36,000 लोगों की मौत हुई थी। तो 2019 के मुकाबले 2020 में मौत कम हुई, लेकिन उस 2020 में लॉकडाउन भी लगा था, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह 2018 में 1,35,000 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में 1,35,000, जो कि 2019 में 1,36,000 हो गई थी। बता दें कि NCRB गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 के बाद से हिट एंड रन यानी टक्कर मारकर भाग जाने के मामले बढ़ गए हैं और हर दिन औसतन 112 मामले सामने आ रहे हैं। हिट एंड रन के यानी टक्कर मार के भाग जाने के 112 मामले सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, सड़क हादसों में जो जान जा रही है वो कितना गंभीर है, इस पर 7 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यश राज शेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि देश में इतने लोग सीमा पर या आतंकी हमले में नहीं मरते हैं जितने सड़कों पर गड्ढों की वजह से मर जाते हैं। लोगों का इस तरह मरना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सड़क पर गड्ढों की वजह से। जबकि NCRB लापरवाही लोगों की बता रही है, लेकिन हादसों की वजह लोगों की केवल लापरवाही ही नहीं होती, हादसों की वजह हमारी सड़कें भी होती हैं जो सही तकनीक से नहीं बनाई जाती हैं। अव्वल तो अधिकतर सड़कों में इतने गड्ढे होते हैं जो हादसे की वजह बनते हैं। इसके अलावा जो सड़कें चमाचम दिखती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं, जिनमें गड्ढे नहीं दिखते हैं, उनकी भी गुणवत्ता बहुत ख़राब होती है और वह हादसे की वजह समय समय पर बनती रहती हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मानते हैं कि देश में 200 मिलियन से ज़्यादा वाहन हैं जो सड़कों पर चलते हैं हमारे देश में। तो 200 से ज़्यादा वाहन चलेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं होंगी ही। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 12 लोगों की मौत हो जाती है। प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 12 लोगों की मौत हो जाती है। तो इस मौतों को रोकने के लिए समय समय पर संकल्प भी लिए जाते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में 18 से 19 नवंबर 2015 में दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था और इसका सह प्रायोजक विश्व स्वास्थ्य संगठन था। इसमें एक संकल्प पत्र जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे और ये संकल्प दोहराया था कि 2020 तक सड़क हादसों में कमी लाई जाएगी, सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाई जाएगी, इसके बारे में तमाम वे उपाय किए जाएंगे जिससे सड़क हादसे ना हो, ताकि मौतें ना हो। लेकिन लापरवाहियां जारी रहीं लोगों की भी, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं रोकने के उनके भी, सरकार से लेकर अधिकारी तक इस मामले में कहीं गंभीर नहीं देखते हैं, ना ही कहीं पर समुचित उपाय दिखता है। तो सड़क परिवहन के ही एक आंकड़ों के अनुसार 2017 में 464,910 हादसे हुए थे। 2017 में इसी तरह 2018 में 467,044 हादसे हुए। 2018 में 151,471 लोगों की मौत इन सड़क हादसों में हो गई 2018 में। 2017 में 147,093 लोग सड़क हादसों में मारे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सर्वेक्षण बताता है, जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की दर प्रति एक लाख पर 12 है। तो इस तरह पिछले 10 सालों में 13,81,318 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो चुकी है। यह आंकड़ा 2018 तक का है, 2018 से पिछले 10 सालों में 13,81,318 लोगों की मौत हुई है और 50,30,707 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं सड़क हादसों में। देश में हर 3.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, यानी कि लगभग 3.25 मिनट में, और इसे 3 मिनट भी मान सकते हैं कि 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत, हर 3 मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में मर रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ऐसा मानता है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है इतनी चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि इतने लोग तो सीमा या आतंकी हमले में भी नहीं मारे जाते जितने सड़क हादसों में मारे जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सड़कें बिल्कुल कत्लगाह के रूप में तब्दील होती जा रही हैं और इनके जो सुरक्षा मानक हैं वह उस स्तर पर नहीं हो पा रहे हैं। बता दें आपको कि जितने हादसे होते हैं उनमें से लगभग 30%
30% हादसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर होते हैं, 30%। 2018 में 18 से 45 साल की आयु के लोग हादसों में अधिक मारे गए थे। इसी उम्र के लोग ज़्यादातर मारे जाते हैं। हादसों की जो मुख्य वजह है वह तेज़ रफ्तार है, यानी तेज़ गति से गाड़ी चलाना। 64% से अधिक, यानी कि 64.4% कारण होती है रफ्तार यानी गति एक्सीडेंट की, यानी हादसों की, सड़क दुर्घटनाओं की जो वजह होती है। इसके अलावा शहरीकरण, जितना तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है तो वो एक वजह है। सुरक्षा का अभाव, सड़कों पर पर्याप्त सुरक्षा का अभाव नहीं होता, ये एक वजह होती है। नियमों को ना तो समय से लागू किया जाता है, लागू किया जाता है तो उसकी निगरानी नहीं की जाती है। नशीली दवाओं एवं शराब पीकर वाहन चलाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। शराब पीकर वाहन चलाना भी बहुत बड़ी वजह है। तेज़ रफ्तार तो हमने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसके अलावा दोपहिया वाहनों में हेलमेट नहीं पहनना, दोपहिया वाहन चलाने वाले अक्सर हेलमेट नहीं पहनते, और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सिर में चोट लगती है जो मौत की वजह बन जाती है। चार पहिया वाहनों में, कार वगैरह में लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं जो कि हादसे की वजह हो जाती है। 4% मौतें शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती हैं। 86% हादसों में पुरुषों की मौत होती है और 14% महिलाएं इन हादसों में मारी जाती हैं। तो अधिकतर पुरुषों को हादसे में मारे जाने की वजह है कि परिवार का मुखिया मारा जाता है, यानी कमाऊ व्यक्ति हादसों में मारा जाता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है और उसको आने वाले समय में दिक्कतें होती हैं। इसी तरह चार पहिया जो हल्के वाहन होते हैं उनके 6% हादसे होते हैं, और चार पहिया हल्के पैसेंजर वाहनों में 12% हादसे होते हैं, और दो पहिया और तीन पहिया जो चालक हैं, दो पहिया और तीन पहिया के ज़्यादा हादसे होते हैं, 40% हादसे होते हैं, और 40% हादसे में मतलब 40% लोग मारे जाते हैं। कुल हादसों में दोपहिया और तीन पहिया हादसों की संख्या ज़्यादा होती है और मरने वाले भी 40% होते हैं कुल मरने वालों में से। यही नहीं, 2% तो साइकिल चालक की भी मौत हो जाती है जो हादसे होते हैं, और पैदल चलने वालों की भी 10% मौत हो जाती है, पैदल चलने वालों की। जाहिर सी बात है कि साइकिल और पैदल चलने वालों की मौत जो है वो उनकी अपनी लापरवाही से तो नहीं होती है, उनको दूसरे जो वाहन हैं या वजह हैं उन्हीं वजह से होती होगी। भारी वाहन चालक 11%, बस चालक एवं पैसेंजर 7%, अन्य में 13% आते हैं। तो इस तरह सड़क हादसों में लोग दिन प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, और संकल्प के बावजूद जो है इस पे रोक नहीं लगाई जा पा रही है। तो ये रहा सड़क हादसे के आंकड़े और उनकी वजह, उन पे चिंताएं, तो ये गौर करने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।